हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि हमारा करंट अफेयर्स आपकी तैयारी में हम सफ़र ज़रूर बन रहा होगा और आप ऐसे ही जो है आधा घंटा रोज़ दीजिए हमें। हम आपको जो है डेफिनेटली इंश्योर करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स में माहिरात हासिल करवा देंगे। तो दोस्तों, कल जो हमने टारगेट रखा था 800 का टारगेट रखा था कल, कि कल 800 लाइक्स देने हैं, तो लगभग जो है हम इसके करीब पहुंच गए हैं। तो आज जो है हम 1000 का टारगेट रख रहे हैं। आई होप कि आप जो है आप लोगों की मदद से हम 1000 लाइक्स तक पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों, आज जो 23 अगस्त है, सो 23 अगस्त के दिन आज जो होने वाले करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो डेली की तरह 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उससे जुड़े हुए जीके के मुद्दे भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केरला में जो है फ्लड जो है काफ़ी तबाही मचाई। अब हालांकि वहां पे जो है फ्लड रिसीड कर रहा है और राहत कार्य जो है वो जोरों पर है। तो इसी के बीच जो है हमने, यानी कि ऑनलाइन तैयारी की तरफ से जो है हम भी यहां पे डोनेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी तैयारी प्लस यूज़र हैं या तैयारी प्लस मेंबर बनना चाहते हैं, वो केरला 10 कूपन कोड, ये जो है केरला 10 कूपन कोड जो है, इसको इस्तेमाल करके आप जो भी हमारे को तैयारी प्लस मेंबर बनेगा, उसकी तरफ से हम 100 रुपये जो है केरला फ्लड्स के लिए डोनेट करेंगे। तो इस जो है महान कार्य में आप हमारे जो है साथ रहें। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर सेशन देखते हैं, ठीक है। सो ये चूंकि अभी आज डे 5 है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। सो आज डे 5 ऑफ एशियन गेम्स है, तो ये चूंकि हम किसी कारणवश रिकॉर्डेड दे रहे हैं, तो ये लेटेस्ट अपडेट नहीं रहेगा। फिर भी यहाँ पे एक जो अपडेट हुआ है, यानी कि डे 4 के अंत तक, कल यानी कि डे 4 था, सो डे 4 के कल अंत तक जो है भारत जो है फिर से खिसक के कितने स्थान पर आ गया है, 7वें स्थान पर आ गया है भारत। और जो भारत ने कुल मेडल जीते हैं वो कुल मिला के हो गए हैं 11 प्लस 4, कुल मिला के 15 मेडल जो है अब तक भारत ने जीत लिए हैं। क्योंकि 4 जो मेडल जीते हैं भारत ने, किसमें जीते हैं कल, 4 मेडल जो है, यानी कि 4 ब्रॉन्ज मेडल, जैसा मैंने दिखाया यहाँ पे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है कल भारत ने एडिशनली वुशु कॉम्पिटिशन में जीता है। और ये पहली बार है ऐसा एशियन गेम्स में कि भारत ने वुशु कॉम्पिटिशन में 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही भारत की जो कुल पदक वो है 15, यानी कि 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। और भारत का जो स्थान है, यानी कि डे 4 के अंत तक, वो आ गया है 7वें स्थान पे। और डे 5 जो है हम जो है कल उसका अपडेट करेंगे, या बाद में हम वीडियो में भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो था, वो हमने पूछा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन। सो कल हमने पूछा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड एट ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? सो काफी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, तो जी हाँ, ये है अभिनव बिंद्रा। सो अभिनव बिंद्रा ने जो है, इन्होंने जो है क्या बोलते हैं अपना, बीजिंग ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और फिर केडी जाधव जो हैं, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने कि कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में। और इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स गेम में, ठीक है, हेलसिंकी ओलंपिक्स गेम्स में जो है वहां पे इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कोई इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स में। कौन? केडी जाधव। और इन्होंने किस में जीता था? ये रेसलर थे, ठीक है। सो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कौन है? आपका अभिनव बिंद्रा है, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, सो इसको डेफिनेटली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। सो कल जो है काफी लोगों ने कमेंट दिया, फीडबैक दिया, तो उससे हमारे को एक चीज पता लगी कि कभी कभी क्या है कि हम भी गलत हो जाते हैं। सो कल जो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर को लेकर काफी लोगों ने मतलब कि कहा कि ये गलत है। तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ का जो हमने गवर्नर का नाम दिया है बलराम दास टंडन, तो वो जो है उनकी जो है
उनका निधन हो गया था 14 अगस्त को। कब हो गया था उनका निधन? 14 अगस्त को जो है उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के बाद जो है जो अतिरिक्त प्रभार है जो मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उनको दे दिया गया है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सेड टू लिफ्ट मॉरेटोरियम ऑन डेथ पेनल्टी आफ्टर 42 ईयर्स, यानी किस देश के राष्ट्रपति ने 42 वर्षों के बाद मृत्यु दंड पर अधिस्थगन उठाने के लिए जो है कहा है। सो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी म्यांमार। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए श्रीलंका। ठीक है, तो आइए जरा एक्सप्लेनेशन में हम देखें। तो अगर देखें तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मैत्रीपला सिरीसेना, तो इन्होंने जो है कल अपने भाषण में ये कहा कि दे विल रिज्यूम डेथ पेनल्टी। ठीक है, दे विल रिज्यूम डेथ पेनल्टी सो आफ्टर अ 42 ईयर मॉरेटोरियम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी सीरियस ड्रग पेडलर्स हैं उनको हैंग करना और जो इंक्रीज हो रहा है नार्कोटिक्स रिलेटेड क्राइम में उसको चेक करना। सो 23 जून 1975 के बाद से आज तक जो है कभी भी श्रीलंका में जो है डेथ एग्जीक्यूशंस नहीं किए गए हैं। सो कैपिटल जो पनिशमेंट है श्रीलंका के अंदर एक लीगल पेनल्टी है जो कि ऑटोमेटिकली लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये कानून में दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि 23 जून 1975 के बाद से आज तक वहां पर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। सो एक्चुअली 1978 में क्या है कि जो उनका संविधान था उसको रीराइट किया गया था और इस संविधान के अंदर जो डेथ सेंटेंस को लेकर जो अरेंजमेंट था उसमें क्या था कि पहले जो है डेथ सेंटेंसर तो इसको जो ऑथराइज करेगा एक ट्रायल जज, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल और फिर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। और जब क्या बोलते हैं कि अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है ये प्रेसिडेंट द्वारा रेटिफाई भी होना चाहिए। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो वहां पे एग्जीक्यूशन पे फुल स्टॉप लग गया था। सो ये जो फिर से रिज्यूम करने की बात कही गई है डेथ पेनल्टीज को, तो ये जो है काफी लोगों ने इसकी आलोचना की है। सो आप देखिए तो यहां पे आपका जो है इंडियन ओशन में ये आपका श्रीलंका जो है कोलंबो उसकी राजधानी है और ये लक्षद्वीप सी है उसके बगल में और ये जो है हम जानते हैं ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि एक मुन्नार जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच टू कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड इंडिया। सो हाल ही में किन दो देशों के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया? सो आपके ऑप्शन है ए यूएसए जापान, बी जापान ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना जापान या डी यूएसए चाइना। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चाइना जापान। सो चाइना जापान, सो जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो 19 और 20 तारीख यानी कि 20 अगस्त को भारत में आए और चाइना के जो हैं वो 20 अगस्त से जो है मतलब कि 20 बोल रहा हूँ 21 अगस्त से जो कि ट्यूसडे था, सो 21 अगस्त से 4 दिन के भारत दौरे पे हैं और ये 2 दिन के दौरे पे थे, 2 डे विजिट पे थे जापान के डिफेंस मिनिस्टर। सो आइए जरा देखते हैं। तो पहले तो जापानीज डिफेंस मिनिस्टर आए जिनका नाम है इत्सुनोरी ओनोदेरा। सो ये जो है आए थे और इन्होंने इंडिया जापान एनुअल डिफेंस डायलॉग जो है ये नई दिल्ली में जो हुआ था उसको अटेंड किया और उसमें जो है दोनों देशों ने इस पे आपसी सहमति जताई जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं उसको हम बरकरार रखेंगे और प्लस ये भी कहा कि पहली बार भारतीय आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी और जो जापान की आर्मी है यानी कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, सो दे विल कंडक्ट द फर्स्ट एवर, दे विल कंडक्ट अ फर्स्ट एवर बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। सो किसके किसके बीच में होगा? इंडियन आर्मी और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, सो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ये है। ठीक है, तो ये लोग जो है आपस में ये लोग पहला बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। हालांकि इसका नाम नहीं दिया गया है, इसका शेड्यूल भी नहीं दिया गया है या कहां होगा ये भी नहीं बताया गया है। दूसरा जो है यानी कि हमने जैसा देखा ये मैंने बताया कि 19 और 20 अगस्त को ये आए थे 19 और 20 अगस्त को और 21 अगस्त से जो है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जिनका नाम है वेई फेंगे। क्या नाम है इनका? वेई फेंगे।
ठीक है, वेई फेंगे जो है ये स्टेट काउंसिलर भी हैं और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑर्गन है उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो ये भी भारत दौरे पे आए हैं 4 दिन के। सो इसको जो है काफी जो कूटनीतिज्ञ हैं भारत के, जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर जो है जिनका नाम है कनवल सिब्बल, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है जिसमें भारत ने ये दिखा दिया कि हम जो है चाइना के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, स्टेबिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो जापान के साथ जो हमारे संबंध हैं उसके कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इसके अलावा जो है भारत ने, हमने देखा कि जापान के साथ तो जो कर रहा है, इसके अलावा चाइना के साथ जो भारत चाहेगा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पे जो है शांति हमेशा बनी रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था जो 2017 में हुआ था, डोकलाम स्टैंड ऑफ ये लगभग 73 डे का स्टैंड ऑफ था, ठीक है, 73 डे स्टैंड ऑफ डोकलाम, ठीक है, जो कि डोकलाम कहाँ पड़ता है हमें पता है, ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान का बॉर्डर मिलता है, ठीक है। सो ये डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ था ये आपका जो है 2017 में, यानी कि 2017 के मध्य में चालू हुआ था और 73 दिन का स्टैंड ऑफ था। उसके बाद जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये वुहान गए थे, आज से 4 महीने पहले वुहान के लिए गए थे, इनफॉर्मल समिट किया था इन्होंने वहां के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग के साथ, किनके साथ, जी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति के साथ, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनफॉर्मल वार्ता की थी वुहान में। सो वो 4 महीने पहले की थी और इस 4 महीने के बाद ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट विजिट है किसका, वेई फेंगे का, जो कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे जो हमने मैप दिखाया है ये हमने बताया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। सो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उससे संबंधित है जो कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर है और जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको जो है डिफाइन करता है। तो ये देखिए, ये तो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये भारत और जो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि लगभग 1971 के शिमला एग्रीमेंट के दौरान आया था। फिर ये जो है अक्साई चिन, जो टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, सॉरी ये अक्साई चिन कह रहा हूँ, सो इतना जो टेरिटरी है ये जो है चाइना ने जो है पाकिस्तान को दिया था 1963 में और ये है, ये पूरा जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये अक्साई चिन है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है इसको बोलते हैं अक्साई चिन और जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बीच में है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और किसके बीच में है, जो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। सो चलिए आगे है हमारा अगला क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है कि विच विल बी बैंड, सो आपको बताना है कि विच विल बी बैंड फ्रॉम द कैंपसेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो आपको बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों से किस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सो आपके ऑप्शन है ए टोबैको प्रोडक्ट्स, बी जंक फूड, सी एल्कोहल या डी इलेक्शन कैंपेन्स। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि जंक फूड। सो ये जो है इससे संबंधित जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, इसने जो है एक डायरेक्शन इश्यू दिया है सारे यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो जो है कैंपसेस से जंक फूड का जो सेल है उसे बैन करे। और इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि अगर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में जंक फूड नहीं रहेगा तो लोग हेल्दी रहेंगे और इससे जो है दे विल बी एबल टू रिड्यूस ओबेसिटी, यानी कि जो ओबेसिटी लेवल्स है उसको रिड्यूस कर सकेंगे। और इससे संबंधित जो सर्कुलर है यूजीसी ने जारी कर दिया है और वो जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव्स के बाद जो है ये जो है इशू किया है यूजीसी ने, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज द हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर 2018। सो वर्ष 2018 की सबसे ज्यादा भुगतान वाली महिला एथलीट कौन है। सो आपके ऑप्शन है ए डैनिका पैट्रिक,
बी पीवी सिंधु, सी सेरेना विलियम्स या डी कैरोलिन वोज़नियाकी। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि सी सेरेना विलियम्स जो है ये हाईएस्ट पेड एथलीट हैं 2018 के अंदर। और जो पीवी सिंधु का हमने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहली इंडियन है, ये एकमात्र इंडियन है पूरे लिस्ट में जो कि रैंक्ड है किस पे, ये सॉरी एकमात्र तो नहीं बल्कि ये पीवी सिंधु जो है ये सेवेंथ रैंक्ड है जो फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट 2018 की लिस्ट है उसमें पीवी सिंधु का जो है सेवेंथ रैंक है। डेनिका पैट्रिक जो है ये नाइन्थ रैंक पे है और ये टॉप टेन में केवल एकमात्र खिलाड़ी है टॉप टेन में जो कि टेनिस और बैडमिंटन से बिलोंग नहीं करती, ये बल्कि जो है कार रेसर है, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है, कार रेसर है यूएसए की। कौन, डेनिका पैट्रिक। और कैरोलिन वोज़निया की ये डेनमार्क की है और ये जो है ये भी टेनिस प्लेयर है और ये जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये सातवें नंबर पे है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट दिया है, सो ये लिस्ट है फोर्ब्स मैगजीन ने पब्लिश की है और ये जो टॉप टेन लिस्ट है आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे सेरेना विलियम्स है टेनिस की, फिर कैरोलिन वोज़निया की ये भी टेनिस की है, फिर स्लोवेन स्टेपेंस ये भी टेनिस की, गार्बिन मुगुरुज़ा ये भी टेनिस की है, यहाँ पे देखिए पीवी सिंधु है बैडमिंटन की और डेनिका पैट्रिक जो है रेस कार ड्राइविंग की है। सो केवल यही दो जो है नॉन टेनिस प्लेयर है टॉप टेन के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि विनर्स जो सेरेना विलियम्स हैं ये हाईएस्ट मार्केटेबल एथलीट भी हैं, ये हाईएस्ट मार्केटेबल द मोस्ट मार्केटेबल एथलीट भी हैं ये, ठीक है, मोस्ट मार्केटेबल एथलीट भी हैं ये, कब, 2018 में। और इन्होंने अब तक जो है 23 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं, कितने, 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये जीत चुकी हैं। कौन, सेरेना विलियम्स, और ये यूएसए की हैं, कहां की हैं, ये जो है यूएसए की है, ठीक है, ये यूएसए की हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स विल बी कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर एक्सरसाइज इलांग शक्ति। सो किस देश के साथ भारतीय वायुसेना पहली बार एक्सरसाइज इलांग शक्ति कंडक्ट करेगी। सो आपके ऑप्शन है ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी ईरान या डी इंडोनेशिया। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी मलेशिया। सो मलेशिया के साथ जो है भारत की जो वायुसेना है वो पहली बार एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी जिसका नाम है इलांग शक्ति। और ये जो एक्सरसाइज है अभी भारतीय वायुसेना पिच ब्लैक एक्सरसाइज कंडक्ट करके आ रही है। सो कहां से आ रही है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो हमने देखा था कि ये जो है अगस्त 18 को खत्म हुआ और ये जो है कहां हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये दो साल में एक बार होता है, टू ईयर्स में एक बार होता है ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज। और अब जो है एक्सरसाइज इलांग शक्ति के लिए ये मलेशिया गई है। तो अगर यहां देखें तो ये देखिए जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसके साथ ये पहला बायलेटरल एक्सरसाइज होगा और उसके लिए जो है भारतीय वायुसेना की जो कंटिजेंट है ये सुबांग एयरबेस है, मलेशिया में सुबांग एयरबेस, आपको ये याद रखना है सुबांग एयरबेस, तो वहां पे ये पहुंच चुकी है, ठीक है। और मलेशिया अगर बात करें तो ये देखिए ये जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये है, तो यहां पे आपका वियतनाम है, ये देखिए ये आपका एक इधर है और ये मलेशिया है, सो दो भागों में डिवाइड है। और यहां पे जो है आपका साउथ चाइना सी है और ये इंडोनेशिया है और इधर भी इंडोनेशिया है, सो ये दो भागों में डिवाइड है, सो थाईलैंड के नीचे है आपका मलेशिया, ठीक है। तो चलिए और इसकी राजधानी क्या है, जैसा कि बता दें इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, ये देखिए यहां पे दिख रहा है कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी है मलेशिया की, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल बिगिन ऑन अगस्त 23, 2018, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल रंग महोत्सव 23 अगस्त 2018 को कहाँ शुरू हुआ। सो ये जो ऑप्शन है आपके ए न्यू दिल्ली, बी रांची, सी हैदराबाद या डी भोपाल। सो करेक्ट ऑप्शन है बी रांची में ये चालू हुआ और रांची जो है झारखंड की राजधानी है और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि झारखंड ने जो क्या है जो भी स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें जो है अटल जी के जीवन और विचारों पे जो है एक लेसन इंडक्ट किया है, ठीक है। सो अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये देखिए
इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल जो है ये अगस्त 23, 2018 को रांची में चालू हुआ और इसका एम है कि जो भी लोकल आर्टिस्ट हैं वो इंटरनेशनल आर्ट के आर्टिस्ट के साथ टच में आए और जो लोकल रिच आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए। और ये लोकल बात कर रहे हैं हम केवल झारखंड की। और इसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। सो तीन लोगों ने, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन तीनों ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो है आपको आ सकता है कि ऑड्रे हाउस कहाँ है, सो ऑड्रे हाउस आपका रांची में है, ऑड्रे हाउस, ठीक है। सो इसमें जो है 56 जो है इंटरनेशनल रिनोन्ड आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, 24 कंट्रीज रहेंगी और 25 इंडियन स्टेट रहेंगे और ये 5 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स हैज गॉट द ऑफिशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से किस भारतीय खेल को आधिकारिक मान्यता मिली है। सो आपके ऑप्शन है ए गिल्ली डंडा, बी खो खो, सी फाइटर काइट या डी पोलो। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बी खो खो। सो खो खो जो है ये भारत का एक इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है और इसको जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है और ये 2022 के जो गेम्स होंगे हुआंगझाऊ में, कहां हुआंगझाऊ में, चाइना में, तो उसमें जो है इसको मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड किया जाएगा 2022 के एशियन गेम्स में, ठीक है, हुआंगझाऊ चाइना में होगा ये, ठीक है। सो आइए देखिए यहां पे, सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अपनी जो जनरल असेंबली की जो बैठक हुई थी अगस्त 19 को जकार्ता में, सो उसमें जो है खो खो को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया है। सो हमने जैसा कहा कि 2022 के एशियन गेम जो हुआंगझाऊ में होंगे वहां पे इसको एज अ डिसिप्लिन इंक्लूड किया जाएगा। अब आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में। तो इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद अल फहाद अल अहमद अल सबा, हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी कुवैत में है, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 के में और मेंबरशिप इसके 45 जो है नेशनल ओलंपिक कमेटी इसके मेंबर हैं और मोटो है एवर ऑनवर्ड। सो इसका मोटो क्या है, एवर ऑनवर्ड। और ये देखिए ये खो खो का खेल है जो कि महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी फेमस है, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बैक्ड द प्रेस्टीजियस जेसी बोस फेलोशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रतिष्ठित जेसी बोस फेलोशिप किसने हासिल की है। आपके ऑप्शन है ए अप्पा राव पोडिले जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं, बी कमलाकर भट्ट ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, सी नितिन कर्मलकर ये भी वाइस चांसलर है पुणे यूनिवर्सिटी के, और संजय देशमुख ये भी जो है वाइस चांसलर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, ठीक है। सो यहां देखिए हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो ये है हमारे मतलब कि आपके अप्पा राव पोडिले, सो ये वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के और इनको जो है जेसी बोस फेलोशिप जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती है उसके लिए इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। और इनको जो है किस लिए दिया गया है, तो इनका जो है रिसर्च एरिया जो कि है प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शंस इन जनरल एंड इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस इन प्लांट्स इन पर्टिकुलर के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उसके रिकॉग्निशन में इनको ये जेसी बोस फेलोशिप मिला है। सो अगर जेसी बोस फेलोशिप के बारे में बात करें तो इसमें जो फेलोशिप मिलती है ये ₹25,000 पर मंथ मिलती है और एक रिसर्च ग्रांट मिलता है 15 लाख पर एनम का और ये होता है 5 साल के लिए। और ये जो फेलोशिप है ये एक्सटेंड कर दी जाती है 5 साल के बाद भी अगर परफॉर्मेंस जो है पहले टेन्योर में बहुत अच्छा रहा तो। सो आपको ये अमाउंट रखना है ₹25,000 पर मंथ और रिसर्च ग्रांट 15 लाख पर एनम का, एक 5 साल के लिए दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है कि व्हेन वाज नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स स्टार्टेड। सो अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार कब शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1971, बी 1969, सी 1970 या डी 1968। सो आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कल जो है हमारा वीडियो फिर से हम जो रिकॉर्डेड लाएंगे उसमें जो है आप इसका आंसर हम बताएंगे।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमें कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, और हमारी जो कुछ गलतियां हो जाती हैं बोलने में, उसको जो है डेफिनेटली हम उसको में सुधार करेंगे। सो दोस्तों इसका भी जो पीडीएफ है हम आपको वीडियो अपलोड होने के बाद इसको हम अवेलेबल करा देंगे। सो डोंट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है डोंट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विल बी बैक टुमारो एट 6 PM शार्प। सो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।